Yeah.
Krishna Nam Bhajan.
जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद जय
Shuchachitanga chandanam namami nandanam
नमामि नंद नंदनम से कृष्ण प्रसन्न होंगे। लभे दि अंग जुर्मकम इस सूत्र के द्वारा राधा कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है, सेवा को प्राप्त कोई कर सकता है किंतु मेरे समझ से नंदनंदन नाष्टक की अपेक्षा यदि कृष्ण सुनने पाए राधा जी की महिमा तो और भी प्रसन्न होंगे, और भी जो इच्छा होगी वो देंगे। इसलिए अभी मुनिंद्र बिंद मुनिंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोद कानेश्वरी
कृष्ण की मैया बड़ी मधुर है, नंदोबा और मधुर है। कृष्ण का जन्म परम सुंदर है, कृष्ण का बोलना, उनके तिरछे आंखों से देखना, उनका मुस्कुराना मधुर से भी मधुर है। उनका बंसी बजाना तो मानो त्रिभुवन को मोहित करने वाला मधुर है। चलनी चाल कैसी है, बड़ी मधुर है, गोपियों ने भी उसका अनुसरण किया, अनुकरण किया। उनका सब कुछ मधुर है, उनकी मथुरापुरी भी मधुर है, उनके वृंदावन भी मधुर है, उनकी यमुना भी टेढ़ी है, कृष्ण जैसे मधुर है, सब कुछ मधुर है। कृष्ण के इन लीलाओं का गान करने से कृष्ण का समस्त माधुर्य हृदय में स्फुरित होगा। इसलिए मधुरम 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 देखो अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम Thank you.
Krishna, 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 Krish
ज्ञानकबीरान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नमामि। जैसे गुरु गौरांग श्री श्री राधा विनोद बिहारी विशेष कृपा है। कल हम लोगों का पहला दिन बहुत अच्छी तरह से बीता। विराट नगर संकीर्तन मथुरा के प्रसिद्ध स्थानों से गजियों से होकर आया। 5,000 से अधिक आदमियों ने इसमें भाग लिया और भगवान की बड़ी कृपा है कि जहाँ बहुत गर्मी थी वहां पर कृष्ण ने कहा कि इनको कष्ट हो रहा इसलिए वर्षा भी दे दी, दिन भी ठंडा हो गया, तापमान गिर गया। कृषक लोग बड़े आनंदित हुए होंगे, भूमि भी तृप्त हो गई। मैं तो चाहता हूं कि आज रात में कृष्ण का जन्म है, खूब बारिश दे, इंद्र को आज्ञा दे दे कि वो प्रचुर वृष्टि करे जिससे कि भारत फिर लहला सूखा से साफ। आज से 5,000 और करीब 125 वर्ष पहले करीब करीब ऐसा ही ना 5,523 साल पहले 5,523 वर्ष पहले किसी मथुरा में जो सो नोट एंड यू कैन ट्रांसलेट कृष्ण का जन्म मथुरापुरी में हुआ। किंतु ये समझिए कि मथुरा में उनका जन्म पूर्ण रूप से हुआ था और गोकुल में पूर्णतम रूप में हुआ था। कृष्ण सब समय पूर्णम इदम पूर्णम अदा पूर्णम पूर्णम उदच्यते इसलिए कृष्ण यहाँ पर भी आंशिक रूप में कहने से भूल होगा। नारायण भी पूर्ण है, यहाँ पर पूर्ण रूप से आंशिक रूप से जैसा समझो यहाँ जन्म हुआ। जन्म होते ही कंस से भय से वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव और देवकी ने स्तुति की और कृष्ण को कहा कि तुम दुधिज बालक हो जाए तो तुम्हारी हमें रक्षा करें।
उसी समय कृष्ण ने उनको कहा कि हमको गोकुल में पहुंचा दो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जेल के दरवाजे खुल गए, प्रहरी सब सो गए गंभीर निद्रा में, हाथ और पैरों की हथकड़ी अपने आप खुल गई। वर्षा होने लगी जो कोई घर से निकल करके देख न सके, इसलिए वर्षा भी होने लगा। और वसुदेव जी बड़े आनंद से कृष्ण को लेकर और ब्रज से यहाँ से मथुरा से चले, जमुना को पार करें कि कैसे बड़ी बाढ़ आ रही है, वर्षा का पानी उठन रहा था जमुना, कैसे पार करें। इतने में जोग माया ने एक लोमड़ी या गीदड़ का रूप धारण करके वो चलने लगा। उसको देख करके इन्होंने देखा, जैसे तो बहुत अच्छा हुआ, इतने पानी में ये जा रहा है तो वो भी चलने लगे उसके पीछे। जमुना जी ने चाहा, इनके चरणों को तो इतना निकट आए हैं, इनके चरणों को तो स्पर्श कर ले, इसलिए बढ़ने लगी। वसुदेव जी कृष्ण को उठाने लगे, जब इतना तक जल हुआ तो कृष्ण ने पीछे से अपने पैर को जमुना में स्पर्श करा दिया, जमुना जी शांत हो करके नीचे चले और गोकुल में यहाँ से पार करके गोकुल में पहुंचाया। प्रश्न होता है, मथुरेश कृष्ण मथुरा को छोड़कर कहीं नहीं जाते, द्वारकाधीश भी कहीं छोड़कर के नहीं जाते, और ब्रजेश नंदन ब्रजेंद नंदन श्याम सुंदर भी वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं जाते, तो गोकुल में कौन गया। जमुना का आधा भाग मथुरा में है और आधा भाग गोकुल में है। वहीं पर जमुना ने स्पर्श किया उनके चरणों को और नीचे उतर गई, और वहीं से वो जो कृष्ण है गोकुल में उसी समय में जन्म हुआ था यशोदा मैया के गर्भ से पूर्णतम रूप में, वही ब्रजेंद्र नंदन है। उन्होंने ही सारी लीलाएं ब्रज में की है। वो वहां से चले गए और वहां पर जाने के बाद में देखा एक लड़की सोई हुई है, अपने पुत्र को समझा।